हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज आज लाइव ट्रेडिंग में फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों ये देखिए, हमने करीब करीब 200 शेयर एवरेज में 500 रुपये पे हमने सेल करे हुए हैं। पहले कुछ थोड़ा सा डाउन पे शेयर किया था, सेल किया था, उसके बाद 500 रुपीज़ पर हमने सेल किया, तो एवरेज करके इसने 500 रुपीज़ दे दिया। 502 पे सेल किया हमने। तो दोस्तों हमें ऐसी उम्मीद है कि ये जो है डाउन साइड तो मूवमेंट है, और मैं MP से बिलोंग करता हूँ, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से। तो गाइस, आज हमारे यहाँ इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, और देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है किसकी गवर्नमेंट बन रही है। तो इसलिए क्या है, हम आज देखते हैं, टारगेट तक बहुत जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि उलट फेर हो सकता है कुछ भी। तो ऐसी मोमेंट पे क्या है, जब भी इलेक्शन के रिजल्ट रहे हैं तो आप बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करें और मार्केट से आउट होने की कोशिश करें। सो दोस्तों, अभी तो हम अच्छा बेनिफिट चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि 100 शेयर को हम जो है यहाँ पे हटा दें। देखिए थोड़ा सा ऊपर निकल जा रहा है, इस वजह से कुछ मैसेज आ जाता है। इसमें यही एक समस्या होती है सर, कवर ऑर्डर में एक्यूरेट आपका जो टारगेट है जो लगा रहे हैं उससे नीचे आना चाहिए। तो ये अगर और जो भी नए बंदे मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप भी 5 पैसा ऐप पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे दूंगा। तो आपको अकाउंट खोलना ही है तो मेरे लिंक से खोलें सर, तो कुछ मुझे भी ब्रोकरेज फ्री मिल जाएगा। तो ये देखिए, हमारा जो है अभी काफ़ी डाउन साइड है, और हमने एक लेवल लगाया हुआ है 492 एंड 489 एंड 483। तो हमें ऐसी उम्मीद है 483 तक भी जा सकता है, लेकिन इतना लंबा टारगेट नहीं रुकेंगे आज हम, क्योंकि रिजल्ट हैं आपको बताया। जैसे मैंने हम बहुत ज़्यादा 492 को जैसे भी क्रॉस करेगा, देखते हैं क्या मूवमेंट रहती है। क्योंकि सर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो ओके गाइस, ये देखिए 495.60 करेंट प्राइस चल रहा है, और हम यही चाहते हैं कि 100 शेयर हम जल्दी से जल्दी कट कर दें। थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है क्योंकि अभी हमने 515 रुपीस पे स्टॉप लॉस डाला हुआ है 200 शेयर्स का टाटा स्टील पे। तो अभी देखिए हमने 1000 रुपये का करीब करीब बेनिफिट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 100 शेयर कट कर दें हम। देखिए दोस्तों, 495.30 से जैसा भी नीचे आता है तो हम इसे थोड़ा सा हटाने के फेवर में हैं 100 शेयर्स, ताकि हमारा प्रॉफिट कुछ बुक हो जाए, और उसके बाद अगर डाउन साइड जाता है तो फिर से हम वेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी। ओके गाइस, 495.50 के आसपास है, तो हमने एक स्टॉप लॉस को ट्रिगर करा हुआ है अपने। तो बिगनर्स यहाँ ध्यान दें, आप एकदम बैठे ना रहें, क्योंकि आपके पास 200 शेयर हैं मान लीजिए, तो आप 100 शेयर को तो हटाइए, हटाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, फिर 100 शेयर्स पे आप रिस्क ले सकते हैं। देखिए फिर से ऊपर निकल जाता है ये, फिर से हम एक ट्राई देंगे 495 पे, नहीं हुआ। ओके गाइस, देखिए यही इम्पोर्टेंट होता है कि भाई जब भी ऐसी प्राइस मूवमेंट हो तो आप उसको देखें कि क्या हो रहा है मार्केट में, आज सिचुएशन क्या है। देखिए फिर ऑर्डर रिजेक्ट हुआ हमारा, इसके लिए हमको थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन हम आज रख नहीं पाएंगे क्योंकि चुनाव के रिजल्ट हैं। 495 पे लगाया तो है हमने, एग्जीक्यूट हो गया शायद। ओके गाइस, हमारे 100 शेयर्स तो 495 के आसपास एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और देखिए 490 रुपीज़ का राइट तरफ बेनिफिट है। तो अब हम इस पे रिस्क ले सकते हैं, जो 100 शेयर्स हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, क्योंकि तो गाइस यही सब इम्पोर्टेंट हो जाता है।
देखिए अभी 144 पॉइंट निफ्टी 50 डाउन साइड है सर, काफ़ी डाउन साइड मूवमेंट है। ये सब चुनाव की वजह से ही है सर, रिजल्ट की वजह से। तो ऐसी उम्मीद है कि 200 पॉइंट तक भी फिर से आज डाउन साइड जा सकता है, तो इसलिए हम जो है टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। फिर सो गाइस प्रेशर तो है, सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है। ये देखिए सर, हमने 492 है हमारा, इसको अगर ब्रेक देगा तो 489 तक हम रुकेंगे, और अगर ब्रेक नहीं आता तो हम उसके आसपास, और अगर ये दोनों को ब्रेक बहुत फास्ट देता है तो 483 तक जाने के ऐसे चांसेस लग रहे हैं हमें। तो इतना तो हम नहीं रुकना चाहेंगे आज, तो भी एक हमने लेबल ड्रॉ करा है गाइस। तो सर ये देखिए अभी जो है थोड़ा सा अप भी जा रहा है, डाउन आ रहा है, ये सब समस्याएं हैं थोड़ी सी आज। 950-950 के आसपास बेनिफिट है हमें, थोड़ी देर और देखेंगे हम, क्योंकि ओके गाइस ये देखिए 502 पे एग्जैक्टली हमने इसी एक 100 शेयर्स इसी पे शॉर्ट किए हुए हैं, तो हमारा एवरेज 500 रुपीस पे आ गया था। तो सो गाइस अभी बेनिफिट हमारा काफ़ी बढ़ गया है, ऐसा तो लग रहा है वेट करना चाहिए, बट कुछ उथल पुथल हो सकती है, इसलिए क्या है कहाँ नहीं जा सकता। सो गाइस ऐसी कंडीशन में देखिए 494.10 यहाँ पे हम हटा सकते हैं इसे, अगर ब्रेक नहीं आता है तो, अगर ठीक ठाक प्रॉफिट लगे तो भी हटा सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर टारगेट नहीं है आज के लिए। कि डाउन साइड तो है, बट ये देखिए अभी 99 पॉइंट अपसाइड है, डाउन साइड है। सो गाइस हम सोच रहे हैं 515 पे स्टॉप लॉस दिया हुआ था हमने ऐसे ही कवर ऑर्डर के साथ लिया था, आप लोग देखें बिगनर्स कवर ऑर्डर में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, स्टॉप लॉस साथ 594.50 अभी हम लगा रहे हैं, देखते हैं जैसे भी नीचे आएगा हम इस पे जो है गोली दाग देंगे 594.50 पे। तो अभी 495 रुपीज़ पे सस्टेन कर रहा है। सो गाइस अपनी स्ट्रेटजी लगाइए, आप किस सिचुएशन पे क्या हो सकता है। ये देखिए 495.50 पे लगाया अभी हमने, देखते हैं इस पे। देखिए अभी ऑर्डर पेंडिंग है, JSW भी देखिए हमने लगाया हुआ है, देखते हैं सर एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं तो वेट करेंगे। थोड़ा सा शेयर कई बार थोड़ा सा मॉडिफाइड और करना पड़ेगा सर। तो गाइस अगर आज हम काफ़ी वेट करें तो हो सकता है, लेकिन थोड़ी सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं आप 494। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, इसके नीचे आए तो हम तुरंत इसको स्टॉप लॉस पे इस स्टॉप लॉस के थ्रू काटेंगे। ये आपको वेट करना पड़ता है, यहाँ पे पेशेंस पेशेंस ही की है, समझ लीजिए सर पेशेंस पेशेंस है तो आप मार्केट पे पैसा निकाल लेंगे, अदरवाइज आप जो है बहुत जल्दी मार्केट से अगर जल्दी निकल गए लालच में तो फिर गड़बड़ हो जाती है ऐसे में। हम वेट ही कर रहे हैं सर, ये एक बार डाउन साइड आए बस खाली, तो हम इसे मॉडिफाइड कर दें। क्योंकि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं सर, तो पोजीशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज टारगेट के लिए नहीं जा सकते हम, क्योंकि चुनाव के क्या रिजल्ट होते हैं तो उसके उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड है। देखिए थोड़ा सा नीचे नहीं आ पा रहा है, ये आया कुछ दो
दोस्तों देखिए इसमें जो है आज कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई हमने, फुली प्राइस एक्शन बेस है। मेरे से कई सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि सर आप स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ही रहता है। मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर नहीं जा सकता है, रेजिस्टेंस है, वहाँ से ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि मार्केट भी डाउन साइड है। तो मैंने वहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है इसको, 100 शेयर शॉर्ट करे, फिर 100 शेयर शॉर्ट किए तो एवरेज में मेरा 500 रुपीज़ आ गया। तो दोस्तों आप कुछ एवरेज भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैं 100 शेयर से खेलता था। तो आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप अपना शेयर्स को बढ़ाएं। और ये देखिए ये टारगेट तक जाने में दिक्कत तो हो रही है सर इसे, तो इसलिए हम ब्रेक नहीं आ पाएगा, इतना आसान नहीं है, अभी बाद में आए भले तो अलग बात है, लेकिन हम तो अभी टारगेट चाहते हैं अपना जो भी है मिल जाए आसपास प्रॉफिट ठीक ठाक। बायर्स सेलर्स 108 पॉइंट डाउन साइड एंड निफ्टी 50। ओके गाइस ये देखिए हमने लगाया हुआ था, जो ये 200 शेयर्स हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं और 935 रुपीज़ का बेनिफिट हमें टाटा स्टील पे मिल चुका है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जो भी नए बंदे हैं एक बार हम चेक कर लें, ये पेंडिंग है, इसे हम सर कट कर देंगे क्योंकि नहीं हो पाया अभी तक, तो हम सोच रहे हैं इसे मॉडिफाइड करें कि कट करें, देखते हैं, कट भी कर देते हैं, हटाइए झंझट ख़त्म। ओके आज का माहौल ठीक नहीं है। तो गाइस आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं 5paisa ऐप पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूँगा, मेरे लिंक के थ्रू ही अकाउंट ओपन करें तो मुझे भी कुछ फ़ायदा हो सर। तो आप लोगों के लिए जो ट्रेडिंग चार्ज मेरे लग जाते हैं तो उससे कुछ तो कवर हो, और आपको अकाउंट खोलना ही है तो मेरे थ्रू खोलें सर, है ना। तो ओके गाइस थैंक यू, मेरा अकाउंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।